अनिल भाई वर्मा। आज क्या करा रहे हो आप, किसकी शादी कर रहे हो? पीपलगढ़ की शादी करा रही हूँ। गढ़ मेरा बेटा है, मैंने बचपन से पाला है, मेरे पति की ये निशानी है, उसके लिए मैं करवा रही हूँ। ये कोई बड़ लोग पीपल रोते भी थे, बताते हैं कि आपस में तो उससे आपको लगता था कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब। हाँ, इससे परेशानी थी मेरे को। अच्छा, किस टाइप की परेशानी थी? हाँ, क्योंकि मेरी दुकान तोड़ दिया वहाँ से, तो इसलिए क्या बोलते हैं मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। मैं वहाँ रहती थी। हाँ, ये पीपल शादी करने के लिए ये पीपल ही क्यों चुनी आपने? बड़ा तो आपके पति ने नहीं, बड़ा तो इनके पति ने लगाया है। हाँ, पीपली जो है वो यही क्यों चुनी, दूसरी भी थी कि ये दोनों रोते थे रात में क्या? हाँ, रोते थे, रोते थे, ये रोते थे। आपका नाम बता दीजिए। मुन्नी भाई वर्मा। लो आगे आ जाओ तुम। विनीता। क्या ये बरगद और कौन बरगद रोता था क्या? हाँ बिल्कुल रोता था। हम लोग उसके नीचे बैठते थे तो हमारे ऊपर ऊपर से आंसू जैसे जैसे पानी की धाराएं गिरती थी। आवाज भी आती थी क्या? आवाज भी आती थी? हाँ थोड़ी आवाज भी आती है, पर इतनी गौर से कोई सुना नहीं है। पर और पीपल भी रोता था क्या? पीपल? हाँ जी बिल्कुल। इधर से तो मुन्नी भाई जो है शादी करा रही है। हाँ, लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से ऊपर है, लड़की की तरफ से भी वही ये अमर टेकन पे जा रही है। हाँ, लालू जी के यहाँ, लालू जी के यहाँ बारात जा रही है। आपका नाम क्या? विनीता। पीपल से बोलो पीपल ये कम से कम 32 साल का है। 32 आशा भाई इंगले। आशा जी किसकी शादी हो रही है आज, किसकी शादी करा रही है? पीपल माता है। हाँ, दशा माता जिसे कहते हैं। हाँ, पीपली माता की शादी करा रहे। क्यों करा रहे हो आप पीपली माता की शादी? ऐसे ही मतलब सभी की मतलब रजामंदी थी, सभी लोगों को मतलब हर्ष उल्लास के साथ में मतलब सभी बोल रहे थे कि ये जब रोती थी तो सभी बोल रहे थे कि इसकी शादी कराना है, ऐसा कराना है, वैसा कराना है। तो हम लोगों ने सबने मिल के ये तय किया और इसके लिए हमने शादी का मुहूर्त वगैरह निकला। बरगद देवता, बरगद देवता और गोटू महाराज की चाल से बारात आएगी। बारात आ रही है। ये बिबली रोती थी, कोई आवाज वगैरह आती थी क्या? नहीं नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ रोती थी। मतलब कैसी रोती थी? आपको कैसे पता चला रो रही थी? जब यहाँ हम लोग बैठते थे, हम लोग यही हमारे बैठते थे तो हमेशा ना उसके छींटे आते थे। अच्छा। नीचे ऊपर से नीचे गिरते थे, हमारे ऊपर 8-10 छींटे। किसी को दिखवाया था कुछ बात? हाँ दिखवाया था पंडित से, और दिखवाया था और बोला, बताया पंडितों ने कि इसका कुछ करो, शादी वगैरह करो तो मतलब अच्छा। बरगद भी रोता था? नहीं बरगद वरगद तो नहीं रोता था, बरगद का तो हमको इतना मालूम नहीं है।
ठीक है।